आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमने पिछले वीडियो में हमने 5.1 उसमें पढ़ा कि एपी क्या होता है, एपी किसे कहते हैं, कैसे चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, साथ ही उसका जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो कैसे पता करते हैं, प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, nth टर्म कैसे पता करते हैं, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। मैं स्टूडेंट्स आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब आपको दो पद दे कि साहब सातवां पद इतना और ग्यारहवां पद इतना तो वह एपी ज्ञात कीजिए, इस तरह के सवाल ज़्यादा बनते हैं, इस तरह का सवाल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के सवाल जब भी आते हैं आप दोनों पदों को काम में लेते हुए दो समीकरण बनाएंगे, दो इक्वेशंस क्रिएट करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसके द्वारा हल करेंगे। जब आप उसे हल करेंगे तो उसमें भी फिक्स कॉन्सेप्ट है कि जैसे सातवां पद आपको 20 दिया गया है तो सातवें पद का मतलब होता है ए प्लस, सातवां पद अपने पास में है तो ए प्लस 6d, ए प्लस 6d बराबर 20, ये समीकरण संख्या एक हो गया। और ग्यारहवां पद आपको मान लो कि 41 दिया हुआ है तो आप लिखेंगे ए प्लस 10d, ग्यारहवां पद मतलब ए प्लस 10d, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर हमेशा पदों की संख्या से एक कम होता है। यदि पांचवां पद है तो आप ए प्लस 4d लिखेंगे और ग्यारहवां पद है तो ए प्लस 10d लिखेंगे, तो ए प्लस 10d बराबर 41, ऊपर था ए प्लस 6d इज इक्वल 20, ये दोनों समीकरण हो गई। हर बार आप क्या करेंगे जब ऐसी सिचुएशन बने तो हमेशा ही लिखेंगे दोनों समीकरणों को घटाने पर, जब दोनों घटाओगे तो हर बार ही आपके पास डी का वैल्यू आएगा क्योंकि हर बार ए कैंसिल हो जाएगा, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है इसका। तो डी का वैल्यू जो आए उसको समीकरण एक या दो किसी में भी रखने पर ए का वैल्यू पता हो जाएगा, जब ए और डी आ जाते हैं तो आप अच्छी तरह से वह एपी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि एपी का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो ए भी है डी भी है, तो आप 2, 3, 4 पद निकाल कर आगे डॉट डॉट लिख के कर देंगे साहब अभिष्ट एपी निम्न प्रकार है या दी गई एपी यह है, इस प्रकार से आप लिखकर उसको डिनोट करेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं एक्सरसाइज 5.2 के चार सवाल हमने कर लिए थे, चार डाउट हमने कर लिए थे, ये मैं पांचवा डाउट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ढंग से देखना। पांचवा डाउट है अपने पास में कि हमारे पास जो मैंने सवाल एक्सप्लेन किया ऐसे सवाल है और वो सवाल ये है कि, तो हमारा पांचवा सवाल ये है कि एक एपी का तीसरा पद 16 है, थर्ड जो टर्म है वो 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो वह एपी क्या है। मैंने सवाल बोला है, अब मैं इसको हल कर रहा हूं, जरा देखना कि वो कह रहा है हमें कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार डायरेक्ट आप लिख सकते हो या लिख सकते हो माना दी गई एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, तो आप लिखिए सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार। क्या तो लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया सवाल क्या था, इसका फर्स्ट इक्वेशन ये कह रहा था कि थर्ड टर्म इज 16, देन ए प्लस 2d इज इक्वल 16,
ये इसका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, प्रथम समीकरण हो गया। आगे कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां मतलब A7 हो गया, पांचवां मतलब A5 हो गया, सातवां ज्यादा है यानी A7 ज्यादा है किससे? A5 से। तो A7 माइनस A5 बराबर 12। A7 A+6D होता है, जो मैंने यहां लिखा, देखो यहां पर A+6D और माइनस फिर A5 लिखूंगा, वो आएगा A+4D या A+4D इज इक्वल 12। अब A+6D माइनस ए, इसका ब्रेसिस ओपन करूंगा तो साइन चेंज हो गया, इज इक्वल 12। ये ए से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2D इज इक्वल 12 और D इज इक्वल 6 वैल्यू आ गया। अब यहां से D का मान समीकरण एक में रखने पर, D का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है देखिए, समीकरण एक क्या है, ये रहा। तो समीकरण एक में रखूंगा तो A+D का मान है 6 बराबर 12, बराबर 16 और 16 A बराबर 16 माइनस 12 A का वैल्यू आ गया 4। अब अतः है वह AP और AP में पहला पद प्रथम पद A4 आया, दूसरा A+D यानी A में D को ऐड करते हैं, D कितना आया 6, A कितना 4, तो दूसरा पद क्या आएगा 4+6 कितना हो गया 10, फिर क्या आएगा 16, फिर डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार है। ये हमारा हुआ इसका फाइनल आंसर। ये था हमारा सवाल संख्या 5.2 का पांचवा। ये मैंने थीम जो समझाई थी उसका एक सवाल करके बताया। इस तरह के सवाल स्टूडेंट जब भी आएंगे, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप खुद करेंगे, कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करेंगे और पूछेंगे। बाकी इसकी थीम सेम एज इट रहेगी, इसी तरह इसको सॉल्व करना है। आगे आइए, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। जो सवाल संख्या 6 है, बहुत बढ़िया सवाल है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य? 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है? 3 अंक की प्रथम संख्या 100 होती है और अंतिम संख्या 3 अंक की 999 होती है। तो 100 के बाद, 100 से लेकर, 100 से स्टार्ट करके पहली संख्या पता करो जिसमें 7 का भाग जाता है। कॉमन सेंस यूज करना है। देखो 100 में 7 का भाग नहीं जाता, सिंपल सी बात है। यदि आपको पहाड़े वगैरह याद है, आपका जो कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छा है, सॉलिड है, तो आप फटाक से बोल देंगे 15 संते 105, 105 में 7 का भाग 15 बार जाता है। तो 3 अंकों की प्रथम संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है वो कौन है? 105। अंतिम संख्या कैसे पता करेंगे वो आपको बताता हूं मैं, कि अपने पास 3 अंक की अंतिम संख्या 999 होती है। हमें 999 नहीं चाहिए, हमें वो लास्ट संख्या चाहिए 3 अंकों की, 3 डिजिट्स की, जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो आप 999 में 7 का भाग लगाएंगे, सपोज करो 3 बच गया, अभी करके बताऊंगा मैं। 999 में 7 का भाग दिया, सपोज करो 3 बच गया, तो 999 में से वो 3 घटा दो, बचा 996, तो 996 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मैंने 3 ऐसे ही बोला है फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कितना बचता है, कितना घटाते हैं और कौन सी अंतिम संख्या 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाता है। मैं सारी भाषा लिखता हूं, यहां पर सवाल संख्या 6 की बात है। आप कहेंगे कि चूंकि 3 अंकों की संख्याएं 100 से 999 तक होती है, तो
सात से भाज्य तीन अंकीय प्रथम संख्या ए बराबर कितनी है बोलो 105। अंतिम संख्या निकालने का काम ये रफ में करना है। वैसे 3 अंक की अंतिम संख्या 999 होती है, हमें 7 का भाग जाने वाली चाहिए, तो आप 999 में 7 का भाग लगाएंगे। जब आपने 999 में 7 का भाग लगाया कैसे जाएगा, 7 एकम 7 बच गए, 2 उतारे 9 7 28 1 और 7 दूने 14 कितना बच गया, 5 बच गया। तो ये जो शेष फल बचा है 5, वो शेष फल आप 999 में से घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे, गौर से देख ले, 999 में से कितना घटाएंगे, शेष फल कितना है 5, तो 999 में से 5 घटाओ तो 994। 3 अंक की ऐसी अंतिम संख्या होती है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। आई समझ में? ऐसे ही कोई मान लो 4 से भाग जाने वाली 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या या अंतिम संख्या चाहिए होती तो हम 999 में 4 का भाग लगाते, और 4 का भाग लगाने में जितना शेष फल बचता उस शेष फल को 999 में से घटा देते, और 999 में से शेष फल घटाने के बाद जो बचता वो 4 का भाग जाने वाली 3 अंक की अंतिम संख्या कहलाती। यहां 7 का भाग जाने वाली चाहिए तो हमने 999 में 7 का भाग लगाया, भाग जितनी बार गया कोई कोई बात नहीं, वो इश्यू नहीं है, कितना शेषफल बचा वो शेषफल हमने 999 में से घटा दिया और जो बच गया कितना 994, ये 3 अंक की 7 का भाग जाने वाली अंतिम संख्या कहलाएगी। अंतिम संख्या को एल भी बोलते हैं और एन भी बोला जाता है। आइए स्टूडेंट्स आगे लिखता हूं मैं। तथा 7 से भाज्य 3 अंकीय अंतिम संख्या जिसे एन भी बोलते हैं एल भी बोलते हैं वो होगी 994। अब आप ये कहेंगे कि जब 7 का भाग जाने वाली चाहिए तो प्रत्येक पद के बीच में अंतर भी 7 7 का ही होगा। जैसे 7 का भाग जाने वाली संख्या कौन होती है, 7 14 21 28 35, तो सबके बीच में 7 7 का अंतर है। 7 से भाज्य संख्या पूछे तो सार्वंतर डी 7 होगा, 4 से भाज्य संख्या पूछे तो सार्वंतर डी 4 होगा, जिससे भाज्य पूछे सार्वंतर डी वही हो जाता है, ये याद रखना। आइए सार्वंतर डी, सार्वंतर डी 7 है सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार। क्या था अंतिम पद, ए एन बराबर 994 था, अंतिम पद होता है ए प्लस, अंतिम पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 × d इज इक्वल 994। प्रथम पद ए, हमने यहां पर प्रथम पद ए निकाल रखा है, लिख रखा है, वो है 105। कितना 105, तो ये हो गया 105। 105 प्लस पद कितने हैं उनकी संख्या मालूम नहीं है, सार्वंतर डी 7 है, 994 लिख दिया, यहाँ एन माइनस 1 × 7 पड़ा रहेगा, 994 माइनस 105 ये रिजल्ट आया हमारे पास में 889। और यहाँ एन माइनस 1 का वैल्यू पता करूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 में जा 7 1 8 18, 7 2 14, 7 7 49, तो n का वैल्यू यहां पर आएगा 127 प्लस 1,
127 और प्लस 1, यानी रिजल्ट हो गया n का मान यानी पदों की संख्या हो गई 128, यानी हमारे पास तीन अंक की 7 का भाग जाने वाली कुल 128 संख्याएं है। तो ये हमारा हुआ सवाल संख्या 6। अच्छी तरह देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको हमें तैयार करना है। आप नेक्स्ट पे आइए, आप बोर्ड पे देखिए मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूं इतने में। अच्छा सवाल है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, ...62 के अंतिम पद से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, मैं यहां से हटाता हूं। सवाल संख्या 6 देख लिया होगा आपने। सातवां सवाल, अच्छा सवाल है, मैं सारे सवाल नहीं बताऊंगा, जो सिमिलर सवाल आएंगे वो आपके लिए मैं छोड़ूंगा, आप करेंगे और डाउट है तो मेरे को पूछेंगे। मैं सवाल संख्या 7 की बात करता हूं, हमें एक एपी दे रखी है, वो है 10, 7, 4। सवाल संख्या 7 एपी है 10, 7, 4, ...-62 के के अंतिम से 11वां पद हमें ज्ञात करना, 11वें पद के लिए मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लिखता हूं। वो क्या है कि जब मैं इधर से चलता हूं, मैं इधर से मुझे सीधी दिशा से 11वां पद चाहिए, 12वां पद चाहिए, 20वां पद चाहिए, तो मैं जिधर से प्रारंभ होता हूं वो प्रथम पद कहलाएगा। यदि मुझे इसी दिशा में 11वां पद चाहिए, 20वां पद चाहिए, तो प्रथम पद कौन होगा? 10। यदि मुझे उल्टे से 11वां पद चाहिए तो मैं शुरू इधर से होऊंगा ना, जिधर से प्रारंभ होता हूं वो प्रथम पद बन जाता है। तो यहां जब मैं अंतिम से 11वां पद निकालूंगा तो प्रथम पद कौन होगा? -62। अब एक बात और सुन ली, प्रथम पद तो जिधर से प्रारंभ करते हैं वो हो जाया करता है। अब हम बात कर रहे हैं सार्वंतर, देखिए इधर आ रहे हैं तो तीन तीन घट रहा है, 10, 7, 4, 1, इस तरह तीन तीन घटता चला जाएगा। जब मैं सीधी दिशा में चल रहा हूं, डायरेक्ट में चल रहा हूं, तब तीन तीन घट रहा है, तो मैं इनवर्स में चलूंगा, उल्टा चलूंगा, विपरीत चलूंगा, तीन तीन क्या होगा? बढ़ेगा। इधर तीन तीन घट रहा है तो ऐसे तीन तीन बढ़ेगा। जब मैं इधर से 11वां पद ज्ञात करूंगा तो सार्वंतर डी आएगा माइनस का 3, पर अंतिम से 11वां पद ज्ञात करूंगा तो सार्वंतर डी आएगा प्लस का 3। ये दोनों बात याद रखनी। अब मैंने लिखा अंतिम से 11वें पद के लिए, लिखूंगा सारी वैल्यूज में, प्रथम पद कौन होगा? जिधर से प्रारंभ होते हैं वही प्रथम पद, -62 होगा। सार्वंतर समझाया, इधर तीन तीन घट रहा है तो जब मैं विपरीत चलूंगा तो तीन तीन बढ़ेगा, सार्वंतर डी आ गया हमारे पास नहीं, प्लस का 3। और कितने नंबर का पद चाहिए? पदों की संख्या जिसे हम बोलते हैं n, वो n हमारे पास है 11। हमें A11 चाहिए, A11 होता है A+10D, सूत्र में लिख दिया आपको, A+N-1 × D बता रखा है। A11 A का वैल्यू -62 है, +10 × D का वैल्यू 3 है, 3×10=30 हो गया, तो -32 इसका उत्तर है। 11वां पद, अंतिम से 11वां पद कौन होगा? माइनस का 32 होगा। सवाल सिंपल सा था, थोड़ा सा हटके था इसलिए मैंने बताया। आप देखिए आगे, 8वें नंबर के सवाल की बात करता हूं कि सेम सवाल है और इसमें कह रहा है कि अंतिम से 12वां पद चाहिए, अंतिम से क्या चाहिए? 12वां पद चाहिए। सेम सवाल है, इस तरह का सवाल है, आप करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, डाउट हो तो मुझे पूछेंगे।
सवाल संख्या 9 की बात करता हूं, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, टोटल पद कितने हैं समांतर श्रेणी में 60, यानी n का वैल्यू हो गया 60, 60 हो गया, पदों की संख्या हो गई 60। अब देखिए नेक्स्ट, प्रथम पद 7 है और अंतिम पद 125 है, तो उसका 32वां पद याद कीजिए फटाक से। देखिए सवाल बोर्ड पे ले चलता हूं मैं आपको, सवाल संख्या है हमारा 9 है और कह रहा है कि एक एपी का प्रथम पद ए जिसे बोलते हैं वो 7 है और अंतिम पद जिसे एन बोलते हैं वो है 125। पदों की संख्या कुल जो पद है, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स एन है वो है 60। आप कहेंगे कि ए एन इज इक्वल 125, ए एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। ए प्रथम पद 7 दिया गया, एन का वैल्यू पता नहीं, सॉरी एन का वैल्यू पता है हमें, वो दिया गया है 60 माइनस 1 और सार्व अंतर डी नहीं पता है हमें बराबर 125। देखिए स्टूडेंट्स ये 7 इधर प्लस का है, ये प्लस नहीं है, इसके पहले वाला निशान ये प्लस का है, ये प्लस तो इसका है, ये 7 इधर प्लस का है, इसका ट्रांसफर करूंगा माइनस हो जाएगा तो 118 बचेगा। और इधर आ जाइए आप हमारे पास, ये 7 उधर चला जाएगा तो इधर 60 में से एक गया 59 बच गया और d आ गया, d का वैल्यू निकालूंगा 118/59 तो इज इक्वल वैल्यू कितना आ गया 2, तो d का मान 2 आ गया, सार अंदर d 2 आ गया, बाकी सब हमें गिवन है। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था इसका 32वां पद, 32 नंबर का पद क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जरा आप ध्यान दे, तो यहां बताना चाहूंगा मैं, ए 32 इज इक्वल ए प्लस 31 डी आएगा, ए का वैल्यू 7 है, 31 डी का वैल्यू 2 आया, ये हो गया 7 प्लस 62 इज इक्वल 69 इसका आंसर है। ये स्टूडेंट हमारा सवाल संख्या 7 हुआ। इस तरह मैंने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के बहुत ही अच्छे से डाउट आपको एक्सप्लेन किए, अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 100% सवाल सोल्व करें, फिर कॉपी में करें, डेली वीडियो देखें, टेस्ट दें और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।